यो व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड यार, इस अपडेट में एक चीज आई है जिससे आपको फ्री SSR वेपन मिलेगा, वो भी कौन सा SSR लाइट स्पीयर। यानी कि SSR में लाइट में हमारे पास अभी सिर्फ एक ही वेपन है, राइट, जो कि है द हंट्समैन। उसके अलावा कोई नहीं है, हंट्समैन भी टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में साथ में एक और लाइट SSR वेपन आ गया जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो आपको लिटरली फ्री में दे रहा है गेम जस्ट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गिल्ड। एंड गिल्ड में एक्टिव रहने से व्हेन यू गो टू द गिल्ड एक्सचेंज शॉप यूजिंग द टोकन्स दैट यू गेट फ्रॉम द गिल्ड, आप वो ले सकते हो। बट आपके गिल्ड को लेवल 3 होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रूथ डीमन नाइट्स स्पीयर फ्रैगमेंट, आप 10 चार बार ले सकते हो हर हफ्ते। तो आपको टोटल 40 टोकन इसके मिलेंगे हर हफ्ते, और महीने में आपको इसके मिल जाएंगे 40 के हिसाब से 160, विच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 SSR वेपन। और आपको 11 वेपन चाहिए टोटल टू मैक्स इट आउट। नॉट टू मेंशन गिल्ड बॉस से भी आपको ये टोकन्स मिलेंगे। अगर आप गिल्ड बॉस में जाओगे देन यू गो टू रेज रिवॉर्ड्स। तो रेज रिवॉर्ड्स में यहाँ पर आपको रेज रिवॉर्ड्स में देखने को मिलेंगे ये चेस्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितने रेज तक आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ 10 तक ही गया हूँ, तो मुझे ये मिले यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर 5 टोकन है डायरेक्टली। तो ये 6 चेस्ट मुझे यहाँ पर मिला है, तो उनमें मेरे को 5 टोकन करके अगर 6 बार निकले दैट इज 30 टोकन्स। और लेट्स से अगर मुझे पर्पल वाले मिल गए रैंक 3 वाले, तो इनमें 8 टोकन्स है, राइट। तो मतलब चेस्ट के अंदर भी चेस्ट है उसके हायर रेयरिटी वाला, सो इफ़ यू गेट दैट यू कैन गेट दैट एज वेल, और टोकन्स आपको मिल सकते हैं। एंड कंसिडरिंग आप यहाँ पर 15 डेज तक जा सकते हो, जो इवेंचुअली हम जाने लगेंगे, तब आपको रैंक 4 वाला चेस्ट मिलेगा। और रैंक 4 वाले चेस्ट में कितने 20 टोकन्स है, दैट इज इनसेन, राइट, दिस इज इनसेन। अभी प्री सीजन चल रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि एक गिल्ड बॉस रोज हम खेल सकते हैं कि वीकली बेसिस पे, या फिर कैसे। ये सीजन खत्म होने के बाद हमें पता चलेगा फर्स्ट सीजन जब आएगा, बट फॉर नाउ वी हैव दिस इन द गेम एंड आप फ्री में ये वेपन को फार्म कर सकते हो। आई ऑलरेडी हैव अ फ्यू टोकन्स इफ आई एम मेरे बैग में, और उसको आप कर सकते हो बेसिकली क्राफ्ट। क्राफ्टिंग में जाकर आपको जाना है उस वेपन पे, एंड यहाँ पर आपको ये डीमन नाइट्स स्पीयर देखने को मिलेगा, और आप अनलिमिटेड बना सकते हो, 100 बना सकते हो इफ़ यू गेट 10,000 ऑफ दिस टोकन्स, विच इज़ रिलेटिवली वेरी डिफिकल्ट। बट आपको टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 11 चाहिए जस्ट टू मैक दिस आउट, राइट। 11 मिल जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ एट A10, विच इज़ अमेजिंग। फ्री वेपन A10 पर किसको नहीं चाहिए भाई, सिर्फ 1100 टोकन्स चाहिए, इवेंचुअली हम वहाँ पहुँच जाएंगे एंड विल गेट दैट A10 वेपन। अभी चलिए बात करते हैं इस वेपन के बारे में, क्या ये वेपन उतना स्ट्रांग है और वर्थ इट है कि नहीं। तो यहाँ पर हम वेपन्स में जाएंगे तो आपको ट्रूथ डीमन नाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। अभी किसी के पास होगा नहीं है एज ऑफ नाउ, बट ये देख सकते हैं हम क्या करता है ये। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की, तो बेसिक अटैक, ठीक है, प्रीव्यू स्किल में जाकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिक अटैक हम देख सकते हैं 2-3 स्विंग्स करता है स्पीयर्स और फिर मारता है एनिमीज को, विच इज़ नाइस। 186, 191 एंड 195% डैमेज है। फिर कोर अटैक में आते तो 472% है, विच इज़ इनसेन। और अल्ट में आते तो 475% है, थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा मेरे को, ये परसेंटेज थोड़ा हायर हो सकता था, बट माना कंजम्पशन बहुत कम है तो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। इसका कूल डाउन 25 सेकेंड्स का, विच इज़ रिलेटिवली लो, तो काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा कूल डाउन के हिसाब से, विच इज़ नाइस, ठीक है। अब हम आते हैं इसके प्रीव्यू पे, ठीक है, मैक्स लेवल पे देखे देंगे तो फिर 726% ये करता है, विच इज़ फाइन। अब आते हैं हम इसके एडवांसमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट्स की बात करें तो A0 पे जब होली नाइट्स फ्यूरी इज़ यूज, बेसिकली ये वाला स्किल, ठीक है, तो एनिमी पे लगाता है करप्टेड रूल्स। करप्टेड रूल्स से क्या होता है, रिमूव्स द कूलडाउन ऑफ होली नाइट्स फ्यूरी। बेसिकली होली नाइट्स फ्यूरी यूज़ करने पे आपका कूलडाउन तुरंत हट जाएगा एक बार, ठीक है, विच इज़ नाइस। तो आप एक और बार उसको फिर से यूज़ कर सकते हो बैक टू बैक, और कूलडाउन 20 सेकंड का, मतलब फिर 20 सेकंड के बाद आप जब फिर से यूज़ करोगे तो फिर से एक और बार यूज़ करेगा। तो हर बार आप जब होली नाइट्स फ्यूरी यूज़ करते हो तो आप साथ में एक और बार उसे यूज़ कर पाओगे, विच इज़ इनसेन। और इंक्रीज लाइट एलिमेंट डैमेज बाय 10% 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए लाइट एलिमेंट डैमेज 10% से बढ़ा देता है, विच इज़ ऑल्सो नाइस। तो A0 लुकिंग वेरी वेरी नाइस, ठीक है, उतना भी अच्छा, मतलब मैं बोलूँगा कंपेयर टू अदर SSR वेपन्स वी हैव, ये उतना ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, बट सिंपल एंड काफ़ी अच्छा स्किल है, ठीक है। A1 की बात करेंगे, इंक्रीज द यूजर्स अटैक स्पीड बाय 15% एंड द डैमेज ऑफ होली नाइट्स फ्यूरी बाय 15% वाइल द करप्टेड रूल्स इफेक्ट इज एक्टिव। तो बेसिकली जब आप एक बार होली नाइट्स फ्यूरी यूज करोगे तब आपको 15% इंक्रीज अटैक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम यूज करोगे, जब करप्टेड रूल से कूल डाउन हट जाएगा, तब आपको 15% इंक्रीज डैमेज देखने को मिलेगा।
तो विच इज़ नाइस। और जब होली नाइट फ्यूरी आप जब भी लैंड करोगे तो 1% माना बढ़ा देगा, विच इज़ ऑल्सो रियली गुड। ठीक है, अब आते हम A2 पर, तो इंक्रीज लाइट डैमेज बाय 10%। A3 पर आते हैं तो व्हेन होली नाइट्स फ्यूरी लैंड इट अप्लाइज द करप्टेड होली नाइट्स रेज, ये दूसरा बफ है। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज द डैमेज ऑफ होली नाइट्स फ्यूरी बाय 2% स्टैकिंग अप टू 50 times। भाई एक बैटल में आपको लिटरली 50 बार स्किल को यूज़ करना है, एंड टू बी ऑनेस्ट आप 2 बार बैक टू बैक यूज़ कर सकते हो इसको, तो कंसिडरिंग दैट आपको 25 बार स्किल को यूज़ करना है पूरे पूरे स्टैक्स को लगाने के लिए। ठीक है, पूरे स्टैक्स को लगाने के 25 बार यूज़ करना है तो 100% आपको अटैक इंक्रीज डैमेज इंक्रीज देखने को मिलेगा होली नाइट्स फ्यूरी का, हर 2 सेकंड में बढ़ते हुए, हर 2% से बढ़ते हुए हर बार जब आप इसको यूज़ करते हो, तो काफ़ी अच्छा है ये, नॉट बैड। A3 इज़ रियली स्ट्रॉन्ग। A4 पे आते हैं तो डिक्रीज द कूलडाउन ऑफ होली नाइट्स फ्यूरी बाय 20%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा जो डैमेज बफ है वो होली नाइट्स फ्यूरी के बेसिस पर है, राइट। तो अगर होली नाइट्स फ्यूरी का अगर कूलडाउन गिरता है 20% से तो 5 सेकंड रिमूव कर देगा, तो आपका 20 सेकंड में आप हर बार यूज़ कर सकोगे, तो जल्दी यूज़ करने में हमें मदद करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी मच नीडेड फॉर इट। और A5 की बात करें तो यहाँ पर जब आप होली नाइट्स फ्यूरी आपका लैंड करेगा तो एनिमी पे इन्फ्लिक्ट करेगा होली नाइट्स कर्स। अब होली नाइट्स कर्स क्या करता है, 5 स्टैक जब होली नाइट्स कर्स के लग जाएंगे एनिमी पे तब आप एडिशनल 1000% ऑफ यूजर्स अटैक डील करोगे एनिमी को, और जब एडिशनल अटैक लग जाएगा तो सारे स्टैक्स रिमूव हो जाएंगे। 60 सेकंड का ड्यूरेशन है, यानी कि आपको विद इन 60 सेकंड्स होली नाइट्स फ्यूरी को 5 बार यूज़ करना है, जो कि आई थिंक इज पॉसिबल विद A4। ठीक है, वो होने के बाद आप इजीली ये 5 स्टैक लगाकर 1000% एडिशनल अटैक ले सकते हो। एंड कंसिडरिंग मेरे जिन्हों का अटैक लेट से 3000 है, राइट, तो 3000 × 1000% इज भाई 3 मिलियन डैमेज, विच इज वेरी वेरी जूसी। एक सेकेंड, 3 मिलियन भी नहीं, 30 मिलियन डैमेज, व्हाट, 1000% ऑफ 30,000 इज 30 मिलियन, आई एम कन्फ्यूज। ओके, 3 मिलियन ही अज्यूम करके चलते हैं, तो इट इज 3 मिलियन, या इट्स 3 मिलियन, मेरा मैथ्स काम नहीं करा अभी। 3 मिलियन डैमेज एक बार में ये करेगा एनिमी पे, विच इज़ ऑल्सो नाइस, मतलब हर 50 सेकेंड्स में 50 सेकेंड्स में आप 3 मिलियन डैमेज डील करोगे A5 पे, विच इज़ ग्रेट। तो कंसिडरिंग दैट ये बहुत अच्छा वेपन है। ठीक है, हंट्समैन और ये अगर आप एक साथ लेके जाते हो तो लाइट के कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त पड़ेंगे एंड एनिमी को आप बहुत अच्छे से हरा पाओगे। सो या, ये है ट्रूथ्स डीमन नाइट स्पीयर का टेक ऑन माय पार्ट। आई थिंक अभी तो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे इसको एटलीस्ट A5 तक पहुंचाने में, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड इन अ गुड गिल्ड। सो डेफिनेटली गिल्ड ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक गिल्ड अपने लिए खोज लो। एंड अलॉन्ग विद दैट एंड दिस वीडियो हियर, व्हाट आर योर थॉट्स एंड ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सपोर्ट करना मैं क्रिएटर प्रोग्राम में टू विन दैट 1000 एसेंस स्टोन एंड रून फ्रेगमेंट एंड माना इम्ब्यूट फैब्रिक। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट, टेक केयर, अराइज़।